महेंद्रगढ़ में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पहरावर गांव की जमीन गोड ब्राह्मण विधा प्रचारिणी सभा को देने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष पहुंचे आशीर्वाद लेने। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। मैं संजय कौशिक। महेंद्रगढ़ में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पहरावर गांव की जमीन गोड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देने पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल व हरियाणा सरकार का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पहरावर की जमीन पर गोड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा सामाजिक हित की संस्था खोलना चाह रहे हैं और इसी उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इस जमीन को दिया है। महेंद्रगढ़ के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष दयाराम यादव पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का आशीर्वाद लेने उनके निवास जयराम सदन पर पहुंचे हैं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जिले में भाजपा के संगठन का काम करके जिले की चारों सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रकार की ताज़ा खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। रामविलास जी का मैं आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने के लिए महेंद्रगढ़ आया हूं और मैं धन्यवाद करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, यशस्वी आदरणीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे क्षेत्र के नेता हमारे संगठन मंत्री का, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे को जिम्मेदारी दी है उसको बेखूबी से निभाऊंगा ईमानदारी से। और पार्टी को जिले में पूरी अब की बार चार की चार सीटें जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसी आशा और उम्मीद है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का फिर और रामविलास जी का फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ। आज श्री दयाराम यादव भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष आज महेंद्रगढ़ श्री जयराम सदन में पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बराबर में जो गौड ब्राह्मण संस्था की जमीन थी उसका 33 साल के लिए उसको रिलीज कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सभा को वो जमीन दे दी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कर्नाटक में चुनाव हुआ है, सुशील आप तो दिखाते रहे हैं, हमने 2019 में 10 जनवरी को बोला था तो वो काटा सही निकला था। और बजरंगबली की कृपा हुई है, भारतीय जनता पार्टी पर बजरंगबली की कृपा हुई है। और कांग्रेस के मित्रों ने जो पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करके जो पाप किया है उसकी सजा कर्नाटक में कांग्रेस को वहां की जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बनेगी।